आइए हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने ऐसे परिवार में जन्म लिया, ऐसे भारत में जन्म लिया, जो आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली और गौरविंद समझते हैं। हमारे बीच में हैं बाबा साहब के पोते अंबेडकर राजन जी। आइए हमसे जानकर लें। मैं माफी चाहूँगा, राजरतन अंबेडकर जी। सर, एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिवार में जन्म लिया, जिनको पूरा समाज इस तरीके से पूछता है कि वो अपना भगवान मानता है, तो आपने इस समाज में जन्म लिया और इस परिवार में जन्म लिया, आप अपने आप को कैसा महसूस करते हैं? नहीं, मैं परिवारवाद से ज़्यादा विचारों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं बाहर आया हूँ। और जो बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ इस देश में हुआ, इस देश में संविधान बाबा साहब अंबेडकर जी ने लिखने के बावजूद बाबा साहब अंबेडकर जी को संसद तक इस देश के यंत्रणाओं ने जाति व्यवस्था के वजह से उनको जाने के लिए बहुत कठिनाइयां रखी। मुंबई से बाबा साहब अंबेडकर जी का पराभव कर दिया गया। ये सारा बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो देखा, जो जाति के वजह से हो रहा है, और इसलिए मैं बाबा साहब अंबेडकर जी के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, इस देश को जाति विहीन बनाने के लिए। और जो धर्म निष्ठित राजनीति इस देश में चलती है उसको मिटाकर विचारों की राजनीति, और जो इस देश में बाबा साहब अंबेडकर जी को अपेक्षित था, उस देश वैसी लोकशाही, वो लोकतंत्र इस देश में लाने के हम लोग प्रयास में हैं। राजरतन जी, ये जो पूरे देश के अंदर इस तरीके का माहौल चल रहा है, तो इस माहौल के संबंध में आप बताएं। इस देश का माहौल मेरे ख्याल से आज से ही गड़बड़ नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी में ये मानता हूँ कि ये दोनों एक ही पार्टियाँ हैं, ये कोई अलग अलग नहीं है। कांग्रेस के राज में भी बॉम्ब स्फोट्स हुआ करते थे, आतंकवाद के अनेक हमारे मुस्लिम भाई कांग्रेस के राज में ही जेल में हैं, और आज भी बीजेपी के राज में गाय के मुद्दों के ऊपर हमारे मुस्लिम भाइयों को हो, दलित भाइयों को हो, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक ही पार्टी है, और इसलिए इस देश को सक्षम विपक्ष दल निर्माण हो, विपक्ष दल मिले, इसलिए आज की ये जो बैठक है, ये दो दिन की बैठक, उसमें मैं शामिल हुआ हूँ। आज की बैठक में यही कंक्लूजन हुआ कि इस देश में सही मायने में जो विपक्ष है वो तैयार होना चाहिए। मानवा कांशीराम साहब के बारे में, कांशीराम जी ने उत्तर प्रदेश में बाबा साहब अंबेडकर जी का बहुत बड़ा यहाँ पर आंदोलन खड़ा किया। बाबा साहब अंबेडकर जी के, जैसे मैंने अभी कहा कि मैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, बाबा साहब अंबेडकर जी का यही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ के कांशीराम जी ने बहुत बड़ी क्रांति इस उत्तर प्रदेश में की। और लेकिन कांशीराम जी के बाद के जो नेतृत्व इस देश में मिला, उनके पार्टी को भी जो मिला, वो मेरे ख्याल से ना तो कांशीराम जी के विचारों को फॉलो करते हैं, ना बाबा साहब के विचारों को फॉलो करते हैं। जो नारा कांशीराम जी ने दिया था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, आज वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, इस नारों में वो तब्दील हो चुका है। यानी बाबा साहब का मूवमेंट, कांशीराम जी का मूवमेंट कहीं तो भी ख़त्म हो गया है, और ये सही मायने में कोई खुशी की बात नहीं है, ये दुखद घटना है। जब तक इस इसको आप कोई ऑप्शन नहीं देते, कोई जरिया नहीं देते, अपने लोगों को कोई एक ऑप्शन नहीं देते, तो ये बहुत दुखद घटना है। वरना कल को बीजेपी कांग्रेस हम लोगों के ऊपर डायरेक्ट अपना अधिकार जमा लेगी, और इसलिए वो डायरेक्ट अधिकार न जमा ले, इसलिए उससे पहले हम लोगों को पहल करनी ज़रूरी है। आप समाज से क्या अपील करेंगे? मैं समाज से यही अपील करूँगा कि बाबा साहब ने जो अधिकार आप लोगों को दिए हैं, वो किसी तुच्छ वस्तुओं के ऊपर ना बेचें। ये सारा आज जो माहौल खड़ा हुआ है, ये एक दो दिन में खड़ा नहीं हुआ। बाबा साहब ने आपको जो वोट का अधिकार दिया, मत देने का अधिकार दिया है, उसको हम लोगों ने इतना मामूली समझ लिया। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, ये अधिकार मैंने आपको किसी को राजा बनने के लिए नहीं दिया, बनाने के लिए नहीं दिया, ये खुद राजा बनने के लिए दिया है। लेकिन हम लोगों ने हमारा ये अधिकार ये किसी और को सौंप दिया, छोटी छोटी वस्तुओं के ऊपर बेच दिया। इसलिए मैं समाज से अपील करूँगा, ये आज की जो स्थिति लानी आई है, इसके लिए 20-25 सालों से, 50 सालों से लगातार जो हम लोग अपने अधिकारों को जान नहीं पाए, हम हमारे अधिकारों को दूसरे के हाथों में सौंप दिए, ये आज हमको कहीं पर बंद करना पड़ेगा, और बाबा साहब के विचारों के ऊपर इस समाज को चलना पड़ेगा। इतना ही मैं समाज से गुजारिश करूँगा। धन्यवाद सर।